फेसबुक इज अ ग्रेट प्लेस टू मीट न्यू पीपल. यहां पर आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं. लेकिन कई लोग फेसबुक पर अपनी इमेज एकदम खराब कर लेते हैं. खराब से मेरा मतलब एकदम तबाह कर लेते हैं. तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी इमेज बनी रहेगी. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जो चीज मैंने बताई है जस्ट उसका अपोजिट करेंगे तो आपकी इमेज को खराब होने से फेसबुक पर कोई नहीं बचा सकता. टिप नंबर 1, डू नॉट ओवर एडिट योर पिक्चर्स. मैंने देखा है, मैं जानता हूं आपको एडिटिंग पसंद है, आपके फोन में एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, 10 तरह के फिल्टर हैं और आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप फोटो एडिट कर सकते हैं. मैंने ऐसे ऐसे फोटो एडिट करते हुए देखे और ये गलती मैंने खुद की है जब मैं छोटा था. इधर से फिल्टर आ रहा है, उधर से माई लाइफ माई रूल्स, लाल पीले बैंगनी गुलाबी कलर के फिल्टर लगे हुए हैं, चश्मे को ज्यादा ह्यू बढ़ाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, 10 तरह के कोट लिखे हुए हैं और वो फोटो प्रोफाइल पिक्चर लग ही नहीं रहा, वो एक 5th क्लास के बच्चे का न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड लग रहा है. स्टॉप, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए, इससे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है. लोगों को यह लगता है कि आपने अभी भी एडिटिंग करना सीखा है और आप ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत खराब तरीके की एडिटिंग. जो आपका फोटो होता है वो नेचुरल ज्यादा अच्छा लगता है. फिल्टर भी लगाना है तो ऐसा लगाओ जो थोड़ा बहुत ठीक भी लगे. अगर आप ओवर एडिट कर रहे हो तो इज अ बिग नो. ओवर एडिटिंग इज अ बिग नो. टिप नंबर 2, स्टॉप मैसेजिंग इफ शी डजंट रिप्लाई. मैंने देखा लोगों को अपनी क्रश को ऐड करते हैं, उनकी क्लास में कोई क्यूट लड़की है उसको ऐड किया, आपने फेसबुक पर किसी क्यूट लड़की को देखा, लड़के को देखा, ये सब के ऊपर है, आपने उसे ऐड किया, आपने हाय लिखा, वहां से रिप्लाई आया हेलो, आपने सोचा वाह, फिर आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज कर रहे हैं और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. अगर आप फिर भी मैसेज किए जा रहे हैं तो स्टॉप, बचा लो अपनी इमेज को, प्लीज ऐसा मत करो. स्टडीज ये कहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 मैसेज आपके रीड करने के बाद, 2 बार आपने मैसेज किए उसे रीड कर लिया और फिर भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो आपसे बात करना नहीं चाहता. आप क्यों नीचे गिर रहे हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खराब कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मैसेज मत कीजिए, वो आपका कभी रिप्लाई नहीं करेगा. टिप नंबर 3, स्टॉप राइटिंग बुलशिट बायो. इससे मेरा मतलब है, मैंने कई सारी फेसबुक प्रोफाइल देखी हैं जहां पर लिखा रहता है वर्क्स एट स्टूडेंट, पापा की परी हूं मैं, आई डोंट वर्क, आई एम प्रिंस और आई एम प्रिंसेस, या सीईओ ऑफ फेसबुक, वीआईपी 100% वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट, ब्ला ब्ला हैश इज इक्वल टू एट, और इतना बड़ा बायो. ये क्या है ये सब? प्लीज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी इमेज तबाह हो रही है, ऐसा मत करो. अगर 5-6 साल का बच्चा अपनी कॉपी में ऐसा लिखता है तो उसको शोभा भी देता है, आप अब बड़े हो गए हो और आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता. जो आप सही में करते हैं वही लिखिए, आप स्टूडेंट लिखिए और आपको वर्किंग में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, अपनी प्रोफाइल को सही से भरिए और एकदम सच्चाई से भरिए, जो आप हैं वही लिखिए. लोग समझ सकते हैं कि अगर आपकी उम्र 15 साल है तो आप फेसबुक के सीईओ नहीं हो सकते, आप ब्रांडेड नालायक नहीं हो सकते, या आप गुंडागर्दी के सीईओ नहीं हो सकते. मैंने ऐसे भी लिखा हुआ देखा है, सीईओ एट गुंडागर्दी, रियली? तो ये कुछ टिप थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए फेसबुक पर. अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आप अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं. जाते जाते एक बोनस टिप और देना चाहूंगा कि जिस फोटो में आपका दोस्त नहीं है फालतू के टैग करना बंद कीजिए, लोग आपसे परेशान हो जाएंगे और हो सकता है वो आपसे बात भी ना करें और जिसको आप शायद इंप्रेस करना चाहते हैं वो आपको अनफ्रेंड भी कर दे. आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और मैं समझता हूं कि अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप बन जाएंगे फेसबुक पर awesome.